अपनी सोच है वो। मैम कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत सारी खुशी महसूस हो रही है। एक भव्य स्वागत आपका किया गया है। बहुत अच्छा, थैंक यू। जय बोले, जय बोले, जय बोले, जय अमरनाथ, जय अमरनाथ। क्या कहना चाहोगे, आज एक मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा जो है यहाँ पे लंगर लगाया गया और इतना भव्य स्वागत किया गया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जाति भेद का कुछ नहीं है, सभी भगवान के बच्चे हैं। कितना बड़ा मैसेज आता है ये पूरे देश में। पूरे बहुत अच्छा, सभी मिलजुल के रहना, सभी ने एक दूसरे को समझ लेना। यहाँ पर जो लोग यात्री देखिए, मेरा नाम एडवोकेट अमजद खान है। मैं पेशे से एक वकील हूं और पीडीपी का जो एक यूथ लीडर हूं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज हमने जिस तरह हर साल जो है हम लंगर लगाते थे, वेलकम करते थे अमरनाथ यात्रियों का, और पिछले दो साल से जो हम इसको कैरी ऑन नहीं कर सकते ड्यू टू कोविड की वजह से, हम जो कैरी ऑन नहीं कर सके, उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए इस बार जो हमने यहाँ पर हलवे का लंगर लगाया है। क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे अगर के पूरे मुल्क में एक जो है कड़वी भाषा बोली जा रही है, ऐसे में मुझे लगता है कि हलवे की एक बहुत ज़रूरत थी। और ये मीठा हलवा जो है इसी की शुरुआत हमने यहाँ से की और हमने वेलकम किया है। और उम्मीद है कि ये पूरे मुल्क में जो है इसी की मिठास जाएगी और सारे जो है आपसी भाईचारे को कायम रहेगी। पॉइंट है, हम यहाँ से हर साल लंगर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोविड की वजह से दो साल जो बीच में हम नहीं लगा पाए, उससे पहले हम लंगर खीर का लगाते रहे। तो अभी शॉर्ट नोटिस में हमने ये मुंह मीठा करने का एक प्रसाद की शक्ल में जो रखा है, तो श्री बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए जो भारतवर्ष से लोग आए हैं, तो उनके दिल में एक गलत फहमी लोगों ने डाल रखी है कि यहाँ पे आपका मुस्लिम समाज जो है वो आपका वेलकम नहीं करता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ ईश्वर की दुआ से और ऊपर खुदा की दुआ से हम लोग सब इकट्ठे हैं, हमारा भाईचारा कायम है, लेकिन वो चंद तत्व हैं जिनकी वजह से ये माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो किसी भी समाज से लोग हों। तो हम ये एक भाईचारे का पैगाम जो है भारतवर्ष में पूरा कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ये भाईचारे का, हमारा हिंदुस्तान का भाईचारे का मैसेज हर जगह में जाना चाहिए। जहाँ मुस्लिम समाज हुआ इनका वेलकम करती है यात्रियों का, और आने वाले समय में जितने भी यात्री आए हम उनका वेलकम करते रहेंगे। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर से भाईचारे की जो है मिसाल कायम होती हुई नजर आई है, जिसमें आपने तस्वीरें देखी कि मुस्लिम समाज ने बाबा बर्फानी की यात्रा में जितने भी आने वाले श्रद्धालु हैं उनका भव्य स्वागत किया। भव्य स्वागत भी किस तरह से, फूलों की माला पहनाकर, और इसके साथ साथ आपने देखा कि उनके लिए लंगर की व्यवस्था भी वहां पर रखी हुई थी। ये पूरा कार्यक्रम अगर बात करें तो जम्मू के कुंजवानी इलाके में रखा गया था, और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जितने भी श्रद्धालु इस समय पहुंच रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से एक बार फिर से भाईचारे की मिसाल वो कायम होती हुई नजर आई है, जिसमें प्रवेश वफा जी का जिक्र करते हैं वो भी वहां पर मौजूद थे, पीडीपी की यूथ विंग का जिक्र करते हैं वो भी वहां पर नजर आई। आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने वहां पर एक भाईचारे की जो मिसाइल है वो जरूर कायम की है, और कहीं ना कहीं हर एक देशवासियों को पैगाम दिया है कि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपसी भाईचारा है उसी को कायम रखा जाए। और आज जिस तरह से लगातार देशभर से बाबा बर्फानी के लिए श्रद्धालु जम्मू कश्मीर में पहुंच रहे हैं, तो उसी के चलते आज एक लंगर की व्यवस्था की गई थी, जिसमें बाबा बर्फानी के लिए जो श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे थे उनको फूलों की माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। तब तक के लिए आप बने रहे जेके 24/7 के लिए कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट जम्मू से, धन्यवाद।